बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोमिसाइल के हवाले से आपके सामने फ़ोन स्क्रीन मौजूद है। हम यहाँ पर सर्च करेंगे डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप ऐप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऐप खुल गई है। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम इसको ओपन करते हैं। ले जी, हमने इसको ओपन कर लिया तो इस पर ये 3-4 ऑप्शन जो हैं वो सामने आती हैं। अगर आपका पहले बना हुआ है तो आपने वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं आप यहाँ पर लिखकर। तो अगर जिस तरह मैंने सर्च किया तो ये जो सर्च में आया कि जी नॉट फाउंड, तो इसी तरह अगर आपने जिसका बना होगा उसको आएगा जी इसका बना हुआ है, वेरीफाई है। तो और दूसरा जो है वो रजिस्टर पर हम जाते हैं तो वो कह रहे हैं जी आप अपनी पहले जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना इसके वाले से अपनी लोकेशन ऑन करें, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से उन्होंने बनाना है। तो लोकेशन ऑन करते हैं और उसके बाद रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, जिसमें नाम, उसके बाद CNIC नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड जो आपने इस ऐप का रखना है, दो बार रिपीट करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और ये तमाम तर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पर मांग रहे हैं। वो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद देने के बाद आप जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। आप कोड जो है वो आपको ईमेल आ सकता है या आपको फ़ोन पे भी आ सकता है। ले जी ईमेल पे पहले आ गया है तो ईमेल वाला जो कोड आया है हम यहाँ पर पुट करेंगे। जब क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन होती हैं ना, वो मेल भी आ सकती है, आपको फ़ोन पर भी आ सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वो। जब इस पर लिखेंगे तो ये देखें जी हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो वेरीफाई होने के बाद आपने ये देखिए जी वेरीफाई हो गया है तो इसको आपने ओके करना है और दोबारा फिर जो आपने एड्रेस डाला था वो और साथ अपना पासवर्ड, अपना NIC आपका ही एड्रेस होता है, तो वो डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने जो दी थी ना वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर, जो हमने आपके सामने अभी किया है। तो ले जी हमने अब डोमिसाइल के हवाले से अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बेसिक चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर, अपना फ़ोन नंबर आपने देना है, किस आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपने पहले बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस तहसील से हैं, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है ना आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, अगर आपका उसके बाद फादर नेम, अगर आपकी शादी हुई है तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, और अपना ऑक्यूपेशन लाजमी बताना है कि ये फलां काम करते हैं। मतलब इंसान की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो तमाम पर आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जब आप तमाम प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो उस पर आप, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके देने के बाद अगर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन ये है मांगेगा जी आपने जो अपलोड किए हैं वो ओके है। तो ओके करने के बाद आपके पास ये PSID कोड आ जाएगा। PSID कोड जो है वो बेसिकली PSD कोड जो होता है ये फीस पे करने के वाले से है। आप जैज कैश वगैरह या अगर आप कोई और ऐप यूज करते हैं तो उसे खोलेंगे तो ये आईडी जो है PSID जो है वो मांगेगा, ये आपने वहां पर लिख देनी है। एक साल के लिए वैलिड होती है, एक साल के अंदर अगर आप फीस अदा करते हैं तो ये नेक्स्ट प्रोसीड पे जाएगा। जब आप फीस पे कर देंगे तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन ऑन होगी, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके बिल वगैरह या फोन टेलीफोन या बिजली के बिल या पानी का कोई मांगेगा तो बेसिक वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इतने खास नहीं होते, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं और आपने उसको अपलोड कर देना है, तो आपका जो है वो डोमिसाइल बन जाएगा। इंतहाई आसान है, बहुत ही आसान है, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।